कदीम मिस्र के लोगों का ख्याल था कि मौत के बाद इंसान एक लंबे सफर पर निकल जाता है। ये सफर बहुत ही कठिन होता है, जिसे वो सूरज के देवता की कश्ती पर सवार होकर हॉल ऑफ डबल ट्रुथ तक पहुंचता है। मिथियोलॉजी के मुताबिक सच्चाई का पता लगाने वाले इस हॉल में रूह के आमाल को जांचा जाता था और इसकी बेस पर फैसला किया जाता था। यहाँ हक और इंसाफ की देवी के कलम के वजन का कंपैरिजन इंसान के दिल के वजन से किया जाता था। कदीम मिस्रियों का ख्याल था कि इंसान के सारे अच्छे और बुरे आमाल इसके दिल पर ही लिखे होते हैं। अगर इंसान ने ईमानदारी से जिंदगी गुजारी है तो इसकी रूह का वजन पंख की तरह हल्का होगा और इसे मिस्री खुदा ओसायरस की जन्नत में सदा के लिए जगह मिल जाएगी। तो आज हम एक ऐसे ही साइंस एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे जो मिस्र के इस कदीम हाइपोथीसिस की एक झलक। तो ये बात उस वक्त की है जब मरने के बाद इंसान की रूह से मुतालिक एक्सपेरिमेंट्स पे बात की गई थी। डॉक्टर्स के ख्याल में रूह का भी एक खास वजन होता है और ये एक्सपेरिमेंट डॉक्टर डिंकल मैकडोगल के नाम के एक फिजिशियन ने किया था। डॉक्टर डिंकल, जिन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बोस्टन के स्कूल ऑफ मेडिसिन से अपनी तालीम मुकम्मल की थी और अपनी जिंदगी का खासा हिस्सा एक चैरिटी अस्पताल में लोगों के इलाज में सर्व किया था। इस अस्पताल के मालिक एक बिजनेसमैन थे जिनका बिजनेस बुनियादी तौर पर चीन के साथ था और वहीं से वो एक फेयरबैंक का तराजू लेकर आए थे। ये तराजू पहली बार 1830 में बनाया गया था और इससे बहुत बड़ी बड़ी चीजों का एक्यूरेट वजन करना बहुत ही आसान था। डॉक्टर डिंकन जहाँ काम करते थे वहाँ आए दिन लोगों की मौत होती थी और अस्पताल में वजन करने वाली मशीन देखकर इनके जहन में इंसानी रूह का वजन करने का ख्याल आया। इस इंसिडेंट के 6 साल बाद ये रिसर्च सामने आई कि इंसान की मौत के बाद जब इसकी रूह जिस्म से अलग हो जाती है तो इसकी वजह से जिस्म में क्या बदलाव आता है। इनकी इस रिसर्च का मकसद कदीम मिस्रियों के बिलीफ को साबित करना या मिस्र की देवी देवताओं के बारे में कुछ जानने के लिए नहीं था। आप समझ ही सकते हैं कि उन्होंने अपनी रिसर्च की इब्तदा ही इस बात से की कि मरने के बाद रूह इंसानी जिस्म से जुदा हो जाती है, यानी कि वो रूह के होने या ना होने पर सवाल नहीं कर रहे थे, लेकिन इनकी रिसर्च के नतीजे में साइंटिफिक लेवल पर इस चीज को तस्लीम करने का इम्कान मौजूद था। डॉक्टर डिंकन मैकडोगल ने एक खास तरह का बिस्तर बनाया जिसका वजन बहुत ही हल्का था और इसे अस्पताल में मौजूद बड़े तराजू पर फिट किया। उन्होंने तराजू का बैलेंस इस तरह बनाया कि इसमें 1 औंस से भी कम वजन किया जा सकता था। तो जो लोग शदीद बीमार होते थे या जिनके बचने की कोई उम्मीद नहीं होती थी उन्हें इस मखसूस बेड पर लिटा दिया जाता था और इनके मौत के अमल को बारीक बीनी के साथ देखा जाता। जिस्म के वजन में किसी भी किस्म की तब्दीली को वो अपनी नोटबुक में लिखते रहते और इसी दौरान वो ये फर्ज करते हुए वजन का हिसाब भी लगाते कि जिस्म में पानी, खून, पसीने, पेशाब या ऑक्सीजन नाइट्रोजन की सतह में भी तब्दीली आएगी। इनकी इस रिसर्च में मजीद 4 डॉक्टर्स भी इनके साथ काम कर रहे थे जो कि अलग अलग डेटा रखते थे। डॉक्टर डिंकन ने ये दावा किया कि जब कोई शख्स अपनी आखिरी सांस लेता है तो इसका जिस्म में आधा या 1.25 औंस वजन में कम हो जाता है। जिस वक्त जिस्म इनएक्टिव हो जाता है इसी लम्हे तराजू का पलड़ा तेजी से नीचे आ जाता है। ऐसा लगता है कि जिस्म से अचानक कोई चीज ही निकल गई हो। डॉक्टर डिंकन के मुताबिक उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट 15 कुत्तों के साथ भी किया और इनमें नतीजे बिल्कुल नेगेटिव थे। उन्होंने कहा कि कुत्तों की मौत के वक्त इसके जिस्मानी वजन में कोई चेंजेस नहीं आई, कि मौत के वक्त इंसान के जिस्मानी वजन में तब्दीली आती है क्योंकि इनके जिस्म में रूह होती है, लेकिन कुत्तों के जिस्म में कोई तब्दीली नहीं होती क्योंकि इनके जिस्म में तो कोई रूह ही नहीं होती। लेकिन इस रिसर्च में और भी बहुत सारे फ्लॉज थे। 6 साल तक जारी रहने वाले इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ 6 केसेस पर ही रिसर्च की गई थी। एक मसला ये भी था कि 2 डॉक्टर्स के डाटा को रिसर्च में शामिल ही नहीं किया गया था क्योंकि एक ने कहा कि हमारा तराजू पूरी तरह से एडजस्ट नहीं हुआ, जबकि दूसरे ने कहा कि ये इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं थी। एक मरीज के बिस्तर पे लिटाए जाने के 5 मिनट के अंदर ही मौत हो गई थी। जब इसकी मौत हुई उस वक्त तक मैंने तराजू को मुकम्मल तौर पर एडजस्ट ही नहीं किया था। तो ऐसे में रिसर्च का नतीजा सिर्फ 4 केसेस पर ही बेस्ड था। इसमें भी 3 सूरतों में मौत के फौरन बाद जिस्मानी वजन पहले अचानक कम हुआ और फिर कुछ टाइम के बाद इसमें एकदम इजाफा हुआ।
चौथी सूरत में पहले जिस्म का वजन अचानक कम हुआ और फिर बढ़ गया और एक बार फिर इसमें कमी हो गई। तो रिसर्च से मुतालिक डॉक्टर डिंकन और इनकी टीम क्लियरली नहीं बता सकी कि इनकी मौत का सही वक्त आखिर क्या था, क्योंकि सारे केसेस में वजन जो डिफरेंट था। तो जब ये रिसर्च साइंटिस्ट कम्युनिटी के सामने आई तो उन्होंने इसको मानने से इनकार कर दिया और गवर्नमेंट ने भी इस पर फौरन से रिस्ट्रिक्शंस लगा दी और इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट आज भी इलीगल है। लेकिन डॉक्टर डिंकन ने जिन 6 लोगों पर ये रिसर्च की थी, इनमें से पहले जिस्म में आने वाली चेंजेस आज भी डिबेट का मौजू है। इस रिसर्च की बुनियाद पर बहुत सारे लोग आज भी कहते हैं कि एक इंसानी रूह का वजन 3/4 औंस या 21 ग्राम्स है। ये डॉक्टर डिंकन के पहले पेशेंट की मौत पर जिस्म में आने वाली चेंजेस थी। लेकिन मेरे ख्याल में तो इन सब केसेस के डिफरेंट वजन की वजह इनके जिस्म में ब्लड क्लॉट्स और दूसरे किस्म के केमिकल रिएक्शंस की वजह से था।